नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। गुजरात में बीजेपी ने सबको सरप्राइज देते हुए नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। तमाम सीनियर नेताओं और मंत्रियों के नाम को दरकिनार कर बीजेपी नेतृत्व ने भूपेंद्र पटेल को नाम पर मुहर लगाई, जो पहली बार के विधायक हैं। भूपेंद्र पटेल बेदाग छवि के नेता हैं और पार्टी संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। वो कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। चुनाव से करीब सवा साल पहले गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया। गांधीनगर में पार्टी कार्यालय कमलम में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को नया नेता चुन लिया गया। मेरे पर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। कल मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था। नए सीएम की रेस में अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम की चर्चा थी। नितिन पटेल से लेकर पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मंडाविया तक को मुख्यमंत्री पद का संभावित दावेदार माना जा रहा था। भूपेंद्र पटेल का नाम शायद ही कोई ले रहा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने तमाम सीनियर नेताओं और मंत्रियों की जगह उस लीडर को चुना जो पहली बार विधायक बने हैं। सबको सरप्राइज देते हुए बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात की बागडोर सौंप दी और इसके साथ ही 24 घंटे से जारी अटकलबाजियों पर ब्रेक लग गया। भूपेंद्र पटेल ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए दिल्ली से बीजेपी के तीन पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रहलाद जोशी और तरुण चुग गांधीनगर में मौजूद थे। निवर्तमान सीएम विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सब ने स्वीकार किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने जब भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया तो लोग चौंक गए। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इसी सीट से गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल चुनाव जीती रही हैं। आनंदीबेन के राज्यपाल बनने के बाद भूपेंद्र पटेल इस सीट से चुनाव लड़े और 1,00,000 से अधिक वोट से जीत हासिल की। इससे पहले भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी AUDA के चेयरमैन रह चुके हैं। पटेल ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया है। भूपेंद्र पटेल पेशे से इंजीनियर रहे हैं, पार्टी संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ रही है। 2016 में आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय के पहले सीएम होंगे। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में असरदार पटेल वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।